अदालत के बाहर राम मंदिर मुद्दे में समझौते की पहल को लेकर आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने 5KD पहुंचे। वहीं 16 नवंबर को वो दोनों पक्षों से बातचीत के लिए अयोध्या के लिए रवाना होंगे। पर्दे के पीछे अयोध्या विवाद को सुलझाने की मुहिम तेज हो गई है। श्री श्री रविशंकर ने अयोध्या जाने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। किसी निष्कर्ष पर हम लोग पहुँचे नहीं है। नहीं, अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं कल अयोध्या जा रहा हूँ, फिर देखते हैं। वहीं इससे पहले श्री श्री रविशंकर हिंदू महासभा और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मिल चुके हैं, मगर मामला बड़ा पेचीदा है। यहाँ पैरोकार कम और पक्षकार ज़्यादा है। ऐसे में अयोध्या के कुछ साधु संतों और बाबरी मस्जिद कमेटी द्वारा श्री श्री की इस पहल का विरोध भी सामने आ रहा है। मुस्लिम पक्षकार जो है वो इसके लिए तैयार नहीं है कि बाबरी मस्जिद पर से अपना क्लेम खत्म कर दें। मध्यस्थ करने वाले फार्मूला लेके नहीं जाते, यूनिटी चाहता हूँ मैं, सौहार्द चाहता हूँ। आपको बता दें कि 16 नवंबर को श्री श्री रविशंकर अयोध्या जा रहे हैं। वहाँ भी रामलला के दर्शन करेंगे, अलग अलग अखाड़ों और संतों से मुलाकात करेंगे और साथ ही अन्य पक्षकारों से भी मुलाकात कर सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर इससे पहले भी कई बार बैठकों का दौर चल चुका है, लेकिन हमेशा नतीजा शून्य ही निकला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि श्री श्री रविशंकर की ये पहल कितना कारगर साबित होती है। वीडियो जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ लखनऊ से विनीत दुबे, न्यूज नेशन। देश भर में फिल्म पद्मावती को लेकर मचे बवाल के बीच यूपी में भी अब इसका विरोध जोर पकड़ता दिख रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अलीगढ़ के सांसद और कुछ बीजेपी विधायकों ने चिट्ठी लिखी है। पत्र में कहा गया है कि इस फिल्म में राजपूत समाज को और उसकी बहन बेटियों को लज्जित किया गया है और इस फिल्म की रिलीज से समस्त राजपूत समाज ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानी संस्कृति भी आहत होगी। वहीं यूपी पुलिस ने इस फिल्म की रिलीज के वक्त जिला मजिस्ट्रेट और SSP को कानून व्यवस्था बनाए रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। बीजेपी सांसद और विधायकों के द्वारा लिखी गई मुख्यमंत्री को चिट्ठी का फिलहाल कोई जवाब सामने तो नहीं आया है, लेकिन यूपी पुलिस ने इसे लेकर एक हाई लेवल मीटिंग जरूर कर ली है और अपनी रिलीज के लिए तैयारियां भी। लखनऊ से विद्यालय सूफी खान के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज नेशन। पद्मावती फिल्म के खिलाफ बेंगलुरु में राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना का विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आज राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना ने पद्मावती फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बेंगलुरु के टाउन हॉल से फ्रीडम पार्क तक एक रैली निकाली। जिस सिनेमा हॉल में पिक्चर लगेगी वो हर सिनेमा हॉल जलेगा, फिल्म हमारी भी बाकी है, बम्बई में जाकर के हम भी फिल्म बनाएंगे उसकी। इस प्रदर्शन में कर्नाटक राजपूत समाज, अखिल भारतीय एकता मंच और क्षेत्रीय महासभा संगठन से जुड़े लोगों ने भी हिस्सा लिया। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक फिल्म पद्मावती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में अब सबकी नजरें संजय लीला बंसाली के अगले कदम पर है। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज नेशन, बेंगलुरु। गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विज्ञापन में पप्पू शब्द पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक। चुनाव आयोग ने इस शब्द को अपमानजनक बताते हुए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में पार्टी के विज्ञापनों में पप्पू शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। बीजेपी इसके जरिए कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी को निशाना बनाती रही है। इसकी पुष्टि करते हुए बीजेपी ने बताया कि विज्ञापनों में जो कुछ लिखा गया है वह किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। बीजेपी अब इस शब्द को हटाकर नए सिरे से मंजूरी के लिए विज्ञापन को चुनाव आयोग में सौंपेगी। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले कांग्रेस प्रभारी अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि प्रधानमंत्री पर कोई भी कांग्रेसी निजी हमले नहीं करेगा। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज नेशन। पर्यावरण मुद्दे पर हरियाणा और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। चंडीगढ़ के हरियाणा मुख्यमंत्री आवास पर दोनों नेताओं ने मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात करीब 3 घंटे तक जारी रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री पर्यावरण के मुद्दे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री से मुलाकात करने चंडीगढ़ पहुंचे, तो वहीं अकाली दल और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर केजरीवाल के पहुंचने पर धरना और प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि केजरीवाल ने नशे के मुद्दे पर पंजाब को बदनाम किया था और अब जबकि आम आदमी पार्टी के नेता सुखपाल खैरा पर नशे के सौदागरों का साथ देने का मामला साबित हुआ है, तो वहीं इस मुद्दे पर वह कुछ भी नहीं कहना चाहते। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल से मिलने से ही मना कर दिया है। क्रॉप बर्निंग के ऊपर चर्चा की, वेहिकुलर पॉल्यूशन के ऊपर चर्चा की, हम लोग जो बाईपास बन रहे हैं उसके ऊपर चर्चा की। जो इंटरस्टेट इधर से नॉर्थ इंडिया से पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में जो व्हीकल जाते हैं वो दिल्ली के बाहर से होकर के जाए। मीटिंग समाप्त होने पर दोनों मुख्यमंत्रियों ने ज्वाइंट प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई मुद्दों पर दोनों राज्यों में सहमति बनी है।
वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, चंडीगढ़। कश्मीर के सोनमर्ग इलाके में इस साल की पहली बर्फबारी देखी गई, वहीं पूरी वादी में 3 महीने के बाद बारिश भी हुई। कश्मीर में आज 3 महीने के ड्राई स्पेल के बाद बर्फबारी और बारिश देखने को मिली। जहां सोनमर्ग और जोजिला में पहली बर्फबारी हुई, वहीं पूरी वादी में बारिश भी हुई। मेट डिपार्टमेंट का कहना है कि अगले 2 दिन और भी ज्यादा बारिश हो सकती है। सुबह के 3 बजे तक 2 इंच बर्फबारी जमी हुई थी। मेट डिपार्टमेंट का कहना है कि कश्मीर में जो बारिश हुई है, इससे दिल्ली के मौसम पे काफी ज्यादा असर देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज नेशन, श्रीनगर। अब आपके लिए राहत भरी खबर। जीएसटी में संशोधन के बाद जो नए रेट्स तय किए गए हैं करीब 222 उत्पादों पर, उसे आज से लागू कर दिया गया है। जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो गई हैं। 23वीं जीएसटी बैठक में फैसला लिया गया था, जिसमें करीब 222 उत्पादों के दाम में कटौती हो गई है। रेस्टोरेंट में अगर आप जाते हैं तो पहले 12-18% जीएसटी लगता था, लेकिन अब सिर्फ 5% ही जीएसटी आपको चुकाना होगा। करीब 227 उत्पादों पर नई जीएसटी दरें आज से लागू हो चुकी हैं, इसलिए कोई भी बिल जरा गौर से देखिएगा, कहीं आप ज्यादा पैसा उस पर चुका तो नहीं रहे हैं। रिजल्ट हरीश शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में घुसते वक्त एक संदिग्ध को सुरक्षा बलों ने गोली मारी। सुरक्षा कर्मियों के मना करने के बावजूद एयरबेस में घुसने की कोशिश कर रहे संदिग्ध को पैर में सुरक्षा कर्मियों ने गोली मारी, जिससे वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया। तुम अंदर क्यों गए थे? क्या था, मैं प्लेन था, उसे बैठने के लिए मैं गया था। पर रोका गया था पहले कि अंदर मत जाओ? हाँ, रोका गया था मुझे। तो फिर भी तुम अंदर गए? हाँ, मुझे नहीं पता था, इसके लिए मैं चला गया। अभी जाऊंगा नहीं मैं। फोटो क्यों ली? क्या होता, मुझे लेना था, मैं ले लिया था इधर उधर का फोटो, बस 2 फोटो लिया था बस। वहीं संदिग्ध की पहचान प्रतापगढ़ के रहने वाले सुजीत के रूप में हुई है। सुजीत आनंद विहार में रहता है। सुजीत ने एयरबेस में घुसने की कोशिश क्यों की, यह भी पता नहीं चल पाया है। वहीं इस घटना से ठीक पहले गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में आतंकी हमले के अंदेशे को देखते हुए खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट भी जारी किया था। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, गाजियाबाद। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने एक नया ऑडियो क्लिप जारी किया है। ये ऑडियो मलयालम भाषा में है और इसमें आतंकियों को त्रिशूरपुरम और कुंभ मेले में लोन वुल्फ अटैक करने के निर्देश दिए गए हैं। इन दोनों ही फेस्टिवल्स में खासी भीड़ उमड़ती है। 10 मिनट के इस ऑडियो क्लिप में राशिद अब्दुल्ला की आवाज़ बताई जा रही है, जो इस्लामिक स्टेट के कासरगोड मॉड्यूल का सदस्य है। राशिद भारत छोड़कर इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करने अफगानिस्तान चला गया था। ये क्लिप उस वक्त आई है जब केरल पुलिस ने दावा किया है कि राज्य के 100 लोगों ने इस्लामिक स्टेट ज्वाइन किया है। क्लिप में लॉस वेगस में हुए हमले का रेफरेंस भी दिया गया है। इसमें दावा किया गया है कि आईएस के आतंकी ने म्यूजिक कंसर्ट में जुटे कई लोगों की हत्या कर दी। कौन इसको सर्कुलेट कर रहा है, कौन बना रहा है, इस तरीके के जो वीडियो क्लिप हैं गलत भी हो सकते हैं। हमारी कोशिश है कि हमें सजग रहना है और इन आतंकवादियों को सफल नहीं होने देना। दक्षिण भारत के कई राज्यों में इस्लामिक स्टेट का प्रभाव है। एजेंसीज के मुताबिक इन इलाकों में अपना प्रभाव और बढ़ाने के लिए ही आईएस ने ये ऑडियो मलयालम में रिलीज किया है। केरल पुलिस के साथ केंद्रीय एजेंसीज इस ऑडियो क्लिप की जाँच कर रही है और इस ऑडियो क्लिप के सोर्स का पता लगाने में जुटी है। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। पाकिस्तान ने आज एक बार फिर पुंछ के शाहपुर केरनी सेक्टर में सीज फायर तोड़ते हुए फायरिंग की। पाकिस्तान की तरफ से पहले 7 बजे के आसपास स्मॉल आर्म से फायरिंग शुरू की गई, लेकिन धीरे धीरे 7:30 बजे तक पाकिस्तान ने हैवी शेलिंग शुरू कर दी। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से फेंके गए कुछ मोर्टार रिहायशी इलाकों पर गिरे, लेकिन गनीमत ये रही कि इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान की तरफ से की जा रही फायरिंग का भारतीय सेना ने भी करारा जवाब दिया, जिसके बाद पाकिस्तान को फायरिंग बंद करने पर मजबूर होना पड़ा। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू।